नमस्कार फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं अपने होटल में और 9 बज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ गोवा के बीच एक्सप्लोर करने। हम लोग अरम्बल भी जाएंगे, आज मोरजिम भी जाना है, आज मस्ती होने वाली। आपको अरम्बल रशियन बीच भी दिखाएंगे जो रशियन के नाम से फेमस है। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग निकल रहे हैं मोरजिम बीच के लिए। ये है यहाँ का शिव टेम्पल, बहुत अच्छा लगा था, मैंने कहा इसको शूट कर लिया जाए। देखो ये कितना पुराना घर है भाई, कम से 80 से 100 साल पुराना घर लग रहा है मेरे को। ये सब अपना नॉर्थ गोवा में जो वैगेटर रोड 2 है उधर की तरफ, ये देखिए व्यू। अभी हम मांडवी रिवर के बैक वाटरों से इसको क्रॉस कर रहे थे, ये देखिए पूरा हिल पॉइंट है और उससे पहले कोकोनट ट्री, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये देखिए। तो फाइनली अभी हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं मोरजिम बीच के लिए। ये कुछ ऐसा रास्ता है मोरजिम बीच का, कोकोनट ट्रीयों के बीच में से हम लोग निकल गए। एक पतली सी स्ट्रीट थी, इधर से मोरजिम का रास्ता 1.5 किलोमीटर दिखा रहा था, तो हमने इधर ही अपनी गाड़ी को मूव डाउन कर दिया। और ये देखिए फाइनली वन वे रास्ता लगता है मेरे को, क्योंकि जगह ही नहीं है, 10 फीट का रास्ते से ज़्यादा है नहीं। ये लोकल्स यहाँ घूमते हैं। और ये है कुछ अरम्बल बीच का मार्केट, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आप देख सकते हैं, आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं लाइक स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। और ये आ गया यहाँ का मेन सर्किल, यहाँ से अब सीधा हमें मोरजिम के लिए निकलना है। वेलकम बैक दोस्तों, अभी फाइनली पहुँच गए हम पार्किंग में मोरजिम की। मोरजिम बीच, इसको टर्टल बीच भी बोलते हैं। तो गाइस सब कुछ दिखाने वाला हूँ आज, नॉर्थ गोवा का फेवरेट डेस्टिनेशन फॉरनर्स और रशियंस, इनके लिए फेमस बोला जाता है ये बीच। ये मोरजिम है, इससे आगे आप जाएंगे तो अपना अरम्बल आ जाएगा। तो दोनों बीचों को आज दिखाऊंगा, पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलते हैं बीच साइड। गाइस ये है इसका एंट्री, यहाँ से आप मोरजिम के लिए एंटर कर जाएंगे, पार्किंग हो गया। और ये देखिए ये सारे तैयार हो गए आपके लिए, रेडी फॉर यू। आप आइए, आपका वेलकम करता है मोरजिम, मोरजिम में आपका स्वागत है। ये है आपके रेडी सर, आप फील कर सकते हैं, रियल वगैरह कुछ भी कीजिए, एंजॉय कीजिए, सब कुछ रेडी है आपके लिए। वगैरह और ये झोंपड़ी लगा दी है, क्योंकि इसके कारण धूप बहुत रहती है, तो इंडियंस तो नहीं बैठ पाते, फॉरनर तो बेसिकली आते ही इसीलिए कि उनको बाथिंग करना है। तो ये है सन बाथ करना है और फिर स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और फिर उसके बाद अपना अरविंद सी में स्नान ध्यान करने के बाद ये लोग शाम को निकलते हैं डिनर पार्टीज़ के लिए, नाइट लाइफ और अपने सारे मूवमेंट्स और अपनी एक्टिविटीज़। और ये इन लोगों ने तो पार्टी भी रखी है, हमको इनविटेशन भी दिया था कि आप आइएगा, अंजुना में इनकी पार्टी है रात की। तो ये देखिए गाइस, ये है कुछ यहाँ का व्यू, तो आप इसको व्यू को एंजॉय करते हुए चलते हैं आगे की ओर। तो आप बाथिंग के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन रहेगा ये। अभी हम आगे मोरजिम की तरफ चलते हैं, आपको पूरा दिखाने वाले हैं मोरजिम बीच के हाल चाल कैसे हैं। ये देखिए इधर फॉरनर्स वगैरह बैठे हुए हैं अपना, आप ये संवाद कर रहे हैं इधर, और इधर से आगे हम भी जाएंगे। ये पूरा नेचुरल बात बताने बीच और सब कुछ को लेने के बाद हम लोग और आगे जाने वाले हैं, और उधर साइड तो अपना सेल्फ रहेगा, उधर साइड तो रखेंगे। इधर इधर सी गुल है, ये सेक्स बनाया हुआ है, इसके आगे पूरा सेक्स बने हुए हैं इधर। और ये अपना हम लोगों को पहुंचना है उधर, ये फॉरनर्स अपना एंजॉय कर रहे हैं और सनबाथ ले रहे हैं। सबसे बेस्ट डेस्टिनेशनों में माना जाता है और साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा का ये सबसे बेस्ट बीच मोरजिम और अरम्बल, दोनों बेस्ट बीच है। और अभी हम चलते हैं आगे की ओर।
गाइस अभी आ गए हम मोरजिम पे, मोरजिम पे ये सेट्स ले लिया है हमने। यहाँ अपना अभी बातिंग करेंगे, बहुत गर्मी हो रखा था तो बच्चे बोल रहे थे कि अभी हमें बैठना है नहाना है, तो ये हम लोग यहाँ सेटिंग कर लिया है। अब पूरा एंजॉयमेंट दिखाते हैं, बातिंग दिखाते हैं आपको, चलते हैं समुद्र की ओर। हमने भी यहाँ बातिंग किया काफ़ी, एक से डेढ़ घंटे हम समुद्र के अंदर थे, बहुत एंजॉय हुआ। और यहाँ पे हमने वॉलीबॉल थी जो, उसके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पानी के अंदर ही सब लोग खेले थे। एक थे वहाँ से रसिया से थे, पूरी फैमिली थी और हम थे और गौरव जी, सब कुछ बहुत एंजॉय किया। बच्चे को नहलाया, बहुत रो रहा था, वो नहा ही नहीं पाया तो उसको गोद में लेकर थोड़ा सा हमने उसको डुबकी लगवा दी थी और बाहर निकलवा दिया था। ये है यहाँ का अरेबियन सी मोरजिम बीच, परफेक्ट बीच। तो गाइस कुछ ऐसा रहा हमारा मोरजिम बीच का टूर, और ये देखिए कितना परफेक्ट बीच लग रहा है भाई। यहाँ से आप समुद्र की ओर से बीच को निहारिए, ऐसा लगता है कि आपको यहाँ बैठना रहेगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए ये किरण पड़ रही है सूरज की और बहुत गोल्डन व्यू आ रहा था इधर से। फिर दोबारा हमको जाना पड़ा क्योंकि बच्चे को छोड़ के फिर हम लोग और नहाए थे। तो ये देखिए वेव्स, ओहो बच्चे काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे, बच्चों की फेवरेट डेस्टिनेशन। क्योंकि कैलिंगवुड पे और बागा पे इतनी भीड़ है कि बच्चों को आप देख ही नहीं पाएंगे कौन से बच्चे किधर साइड चले गए, तो वहाँ बहुत ख़तरा रहने वाला है। आप कभी नहाते हो तो यहाँ आप भाई आइए। और ये जो हम कुछ मसाज ले रहे हैं फॉरेनर्स मसाज के लिए, क्योंकि उधर ना माइनस में टेम्परेचर, तो ये लोग सनबाथ के लिए आते हैं परफेक्ट बेसिकली। तो ये है यहाँ का हिल पॉइंट, इसके बाद और अपना वेगेटर और अपना इधर, हाँ बाबू ठीक है आ रहा हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये कितना क्यूट बेबी लग रहा था, मैंने कहा इसको कैप्चर कर लिया जाए। और अपने फादर के साथ एक्टिविटी कर रहा था और हमारे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और अभी उनके डैडी आगे की तरफ चल रहे हैं तो वो उनके पीछे पीछे, बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने कहा इसको कैप्चर किया जाए। अब उनको आगे बुला रहे हैं, देखते हैं कोशिश कर, हाँ आया आया, ये चल रहा है। और आप देखिए पीछे की तरफ जो सूरज की किरण पड़ रही हैं अपने अरेबियन सी पे, तो बहुत अच्छी भी लग रही थी। ये अपना बिलिंग के लिए हम लोग जा रहे थे तो यहाँ अपना पूरा एक्टिविटी कर लिया है। मोरजिम का कुछ ऐसा सीन रहा आज का, ये अपना काउंटर था, यहाँ से अपने ऑर्डर लिए थे। तो यहाँ खाने पीने का बिलिंग करने के बाद हम लोग निकलते हैं एक और नई डेस्टिनेशन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। तो गाइज ये है यहाँ का व्यू,
तो इस व्यू के साथ हम चलते हैं आगे की ओर। अच्छा लगा तो आप मेरे को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलते हैं न्यू ब्लॉग की तरह।